الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب يسر لا تيسر وتمم بالخير. हम शुरू करेंगे सूरत अल अनआम, मक्की सूरत है, आयत 165 इसमें है। ज़माना है नुज़ूल देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के आखिरी दौर में, एन हिजरत से पहले गालिबन 13 नबुई में सूरत अल अनआम और सूरत अल आराफ नाजिल हुई थी। इस सूरत में 13 साल की दावत का खुलासा और आखिरी अल्टीमेटम के साथ आ गया था, जो अल्लाह की तरफ से अहकाम की सूरत में बताए गए अल्टीमेटम। ठीक है, अब इसका मरकजी मजमून क्या है? इसका मरकजी मजमून देखें, बनी इस्माइल में मिली मिल्लत इब्राहिमी और अकीदा तौहीद के सच्चे वारिस कुरैश मुशरिकीन मक्का नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बनी इस्माइल मुशरिकीन मक्का से मुबाहसा, उसके बाद मुजादला भी करते हुए शिर्क की मुख्तलिफ किस्मों पर तनकीद की के बाद तौहीद की किस्में और तौहीद के तकाजों का बयान है इसके अंदर। ठीक है, तो पैराग्राफ के साथ साथ देखते चलेंगे कि मुशरिकीन मक्का से मुनाजरा और मुजादला क्या था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर अनबिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, सबकी दावत तौहीद एक ही थी। ठीक है, सूरत अनआम जिसमें इस सूरत में बुनियादी तौर पर मुशरिकीन के साथ इनके एतराजात और इनके आमाल के बारे में दलायल बताए गए हैं। ठीक है, तो आयत की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हम सबसे पहले, ठीक है, किसी की ऐसी तारीफ जिसमें मोहब्बत और ताजीम पाई जाए, इसके सिफात के कमाल की वजह और वो वाकई तारीफ के लायक हो। ठीक, इसके बाद जो तारीफ के करने वाला है इसके दिल में उसकी मोहब्बत भी और अजमत भी हो, वो तारीफ जो मोहब्बत के बगैर हो वो मदहा कहलाती है। जैसे बादशाह वगैरह के लोग तारीफ तो करते हैं, उनसे कुछ हासिल नहीं करते। कुरान मजीद की 5 सूरतें हैं जिनके आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का लफ्ज आया है। हम्द अल्लाह ताला ही के लिए की जाती है उसकी कामिल सिफात के बयान पर। जब ये कहकर हम अल्लाह ही के लिए है तो उसमें से जमाना निकल जाता है कि वो तारीफ माजी का है कि हाल का कि मुस्तकबिल, उसमें से जमाना निकल जाता है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि तारीफ माजी हाल मुस्तकबिल हर वक्त अल्लाह ताला ही के लिए। ठीक है, तारीफ उसी के लायक, उसके सिफात सिफात कमाल की वजह और उसके इसलिए भी है, इसलिए भी कि अल्लाह ताला ही खालिक है कायनात है, इसीलिए अलहमद रखा है। ठीक है, उसने अंधेरों और रोशनी को बनाया, इसका इसका जिक्र है। फिर अगली आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं एराज, कुछ एराज का मतलब निशानियों में गौर व फिक्र छोड़ देना, जबकि गौर व फिक्र करना वाजिब है। ये लोग एराज करते हैं अपने माबूदों के साथ, अल्लाह को एक मानने पर क्या करते हैं, एराज करते हैं। कायनात की निशानियों में गौर व फिक्र करने से अल्लाह ताला की मारिफत समझ आती है, क्योंकि ये शजर हजर को जो माबूद बनाए बैठे हैं, अगर बंदा उसी में गौर कर ले तो समझ आ जाए उसे कि अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह ताला की कुदरत सामने आने लगती है, फिर उसी के सामने वो झुकने लगता है। फिर अगली आयतों में गुनाह गुनाह का कुछ तस्करा है, गुनाह नियमत के जवाल का बायस बन जाती है, हर मुसीबत गुनाह की वजह से आती है, सिर्फ तौबा ही से उसे उसको दूर किया जा सकता है। गुनाहों की कसरत पर अजाब भी आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि छोटे गुनाह जुड़ जुड़ कर, यानी कि क्योंकि बाज औकात बहुत से छोटे गुनाह भी इकट्ठे होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। तो बहुत सारी सीखने की बात समझ आई कि कायनात में गौर फिक्र, फिर अल्लाह ताला की हम
अल्लाह ताला की मारिफत मिलेगी तो फिर हम खुद ब खुद करने लगेगा इंसान। और ये सब एक ही जरिया है कि इंसान गुनाहों से बचते जाए और नेकी की तरफ सबकत करते चले जाए। ठीक है, तो यहाँ ये बातें वजाहत की गई। फिर जो है आयत नंबर, मैंने जैसे कि बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में आयत नंबर 1 to 73, जिसमें एक और चीज है कि जब दीन की वजह यानी कि नमाज है, हिजाब है, या फिर किसी भी तरह का जो है मजाक उड़ाया जाए, तो फिर गम ना करें, इसका उस काम को ना छोड़ दें। यानी कि लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए नमाज को छोड़ दिया, इसलिए हिजाब को छोड़ दिया, ना छोड़े, क्योंकि पैगंबरों का भी मजाक उड़ाया गया था, सबके उनके हाथों तो अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कुरान नाजिल की थी। बाज औकात घर के अंदर मजाक और बाज औकात घर से बाहर के मजाक, बाज औकात मजाक उड़ाने वालों की वाले जो हैं शुरू में ला इल्मी के बिना पर बातें बनाते हैं, फिर एक वक्त आता है वो भी ताउन ताउन करते हैं, यानी उनके साथ देते हैं। जब लोग अल्लाह ताला के लिए काम जब काम अल्लाह ताला के लिए किया जाता है, तो वो बंदों की बातें बनाने की वजह से छोड़ा नहीं जा सकता। ये हमारी नीयत का टेस्ट है, यानी कि अल्लाह ताला जो है हमारी नीयतों का टेस्ट करता है कि बंदा कितना सब्र करता है, यानी लोगों के लिए इबादत करता है या फिर अल्लाह के लिए इबादत करता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, इससे दिल उसका छोटा हो जाता है, या फिर उसे अल्लाह अकबर की सदाएं हमेशा गूंजती है उसके कान पर। ये वो सिर्फ इबादत अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है, वो जो है बाकी के अरकाने दीन जो है वो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है, लोगों के दिखावे के लिए या लोगों के पसंद के लिए या लोगों के चाहने या ना चाहने के लिए या फिर उनके अच्छा लगने या बुरा लगने के लिए नहीं करता। ठीक है, तो ये इतराजात के आयतें जो है इसका सिलसिला काफी सूरतों तक काफी आयतों तक चलता है। लोगों का मजाक और एतराज जब पैगंबरों के दिल पर असर करती है, तो हम तो आम इंसान हैं, इसलिए जब कोई ऐसी बात करे तो करे जो हमारे नफ्स या जात के खिलाफ पर पड़ती है, तो हमें गमगीन कर देती है। लेकिन इस गम का गम में डूबना नहीं है, क्योंकि ये नबियों का काम था कि वो ऐसी हालतों में वो गमगीन होकर एक तरफ नहीं बैठ जाते। जो भी मसला यानी के दरपेश आता काफिरों की वजह से, मुशरिकीन की वजह से, दुश्मनों की वजह से, तो उसका उसकी फरियाद सिर्फ वो अल्लाह से करते। ठीक है, तो फिर जैसे कि वो फिर से एक रिचार्ज हो गए, जैसे कि अल्लाह की तरफ से कुछ आयतें नाजिल होती हैं, तो फिर उनकी हिम्मत यानी कि उनको एक हिम्मत अफजाई होती और वो मोटिवेट हो जाते, फिर काम करने पर तुल जाते। तो ये सारी बातें हमें समझ आती है कि मुश्किल हालात में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करना है, गिड़गिड़ाना है, दुआएं करना है, बाज औकात किसी वजीफे को जो है 1000 दफा पढ़ें पढ़ें बार बार, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक, इस तरह के बहुत सारे, मैं पर्टिकुलर इस दुआ को नहीं बुलता रही हूँ, लेकिन मैं बस ये जो पुरानी दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी के अंबिया ने पढ़ पढ़ कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। ठीक है, तो एक दफा पढ़ने से या फिर एक दफा जो है मांग लेने से नहीं होगा, अल्लाह ताला से बार बार इसरार करना है। ऐसी बात भी नहीं है कि अल्लाह ताला जो है एक बार से नहीं सुनता। अपने रब को गिड़गिड़ाना और खुफिया तौर पर पुकार, बेशक वो हद से बढ़ने वाले लोग होते हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते। नहीं, मोहब्बत का तकाजा है कि आप बार बार गिड़गिड़ा, बार बार अल्लाह से रुजू करो। ठीक है, तो अगली आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसमें हम आयत नंबर 50 तक 45 और 50 तक पहुंच चुके हैं, जालिमों की हिलाकत के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है कि जालिम की हिलाकत पर अल्लाह की हम जब अल्लाह जब जालिम को पकड़ लेता है, तो उसमें लोगों की इस्लाह का बंदोबस्त होता है, लोग इबरत पकड़ते हैं, और ये इबरत बहुत बड़ी नीमत होती है, नीमत का शुक्र अदा करना चाहिए। वाजिब है कि इसलिए जालिमों के खातिमे पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? आराम पाने वाला उसमें आराम पा गया। सहाबा ने अर्ज किया, इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुस्तरही वो मोमिन बंदा है जो दुनिया की मुसीबतों से आराम पा रहा, ठीक है। वो मुस्तरही वो बदकार बंदे हैं जो जिससे अल्लाह के बंदे और शहर दरख्त चौपाए सब कुछ आराम पा जाते हैं। यानी कि बाज लोग तो उनकी मौत पर जमीन और आसमान रोते हैं क्योंकि वो खैर ही खैर फैलाते हैं, और बाज लोगों की मौत पर सबको राहत मिल जाती है क्योंकि वो जमीन और इनके जिस जगह पे वो रहते हैं वहां पे शर ही शर फैलाते हैं क्योंकि वो हर जगह तंग कर देते हैं। अल्लाह तो सबको हिदायत दे, आमीन। क्योंकि ऐसे लोग जिन पर जो है जमीन आसमान की सारी मखलूक लानत करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी चीजों से बचाए क्योंकि कायनात की हर एक चीज हमारे लिए बदुआ करे या फिर लानत भेजे, ये बहुत बुरी बात है। फिर अगली बात जो है मौत का तस्करा है। मौत क्या है? मौत की एक निशानी नींद के तौर पर अल्लाह ताला ने बताई, नींद मौत की बहन है। इसमें जो है मौत का जिक्र, क्योंकि हर एक मुतनफ्फिस को मौत का मजा चखना है। अगर कोई पूछे कि कल क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसका कल जानता है और पिछला कल भी वो जानता है। ये जो है जिस तरह मैं और आप कल आने वाले कल को नहीं जानते, ये मौत के बाद की जिंदगी भी हम नहीं जानते। हमारे प्लान्स होते हैं लेकिन अल्लाह ताला जो है हमारी इस जिंदगी के बाद भी आने वाले कल के बारे में जानता है और कहता है कि ये मौत के मराहल के बाद अल्लाह ताला उस अगली दुनिया में लेकर चलेगा जिसमें हमारी वो अबदी जिंदगी होगी। फिर उसे सजा जजा सब कुछ उसके साथ फैसला पर अल्लाह ताला सुनाएगा। फिर अगली आयत तो में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की आयात में बहस करने वाली मजलिसों से इज्तनाब करें। अल्लाह ताला की निशानियों, आयातों और अल्लाह ताला की हर एक जो चीजें अल्लाह ताला ने कायनात में फैलाई है, जो बताती है कि अल्लाह कौन है, इन चीजों से लोग अगर मजाक शुरू कर दें तो ऐसी मजलिसों में बैठने से अवॉइड करो, कोई मोमिन हो या काफिर हो, ठीक है। तो ये क्या है? असल में अल्लाह ताला के खुद के बजाय अल्लाह ताला का गजब के शिकार होने के इम्कान है इसमें, क्योंकि अल्लाह ताला की किताब बहस मुबाहिसे के लिए नहीं आए, अल्लाह ताला की निशानियां बहस मुबाहिसे के लिए नहीं आए, इतराजात के लिए नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इसलिए इल्म सीखा कि उलमा के सामने फखर करे और बेवकूफों के सामने बहसें करे और वो लोगों को अपनी तरफ मायल करें, अल्लाह उसे दोजख में दाखिल करेगा जहाँ इल्म सीखने की बहुत सी फजाइल हैं, वहीं गलत मकासद के लिए भी इल्म सीखना जो है अजाब का बायस है, अजाब का बायस है। कुरान के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कुरान की आयतों पर हुज्जतें, कुरान की आयतों पर जो है झगड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ दीन के वो अजीम और दीन की अजमत को उजागर करके दीन की एक एक बड़ाई और दीन की अजमत के साथ साथ दीन को बताया गया है, लेकिन दीन को छोड़कर लोग झगड़े में और मुबाहिसे में और इसकी एक एक बातों पर जो है ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये देखो ये दीन में ऐसा और ऐसा क्यों है, लेकिन बताया ये गया कि ये तुम्हारे यानी कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया ही इसलिए है कि तुम उसकी इबादत करो, इसलिए नहीं कि तुम अल्लाह ताला की इन चीजों को देखकर बहस और मुबाहसे में पड़ जाओ जिससे तुम जो है खुद भी भटकते हो और दूसरों को भी भटकाते हो। फिर अगली आयतों में जैसे कि मैंने बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त, क्यों दोस्त? दोस्त कौन होता है? दोस्त वही होता है ना जिसको हम बार 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 याद करते हैं। दोस्त हमें भी याद करता है, हम भी उसको याद करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने लखब दिया कि खलीलुल्लाह है, ये वो इब्राहिम है जो हर लम्हा हर हर सुहर घड़ी अल्लाह को याद करते थे। उनमें बड़े खूबियां अल्लाह को याद करते करते अल्लाह ताला ने उनकी खूबियों का जिक्र किया है। जिस तरह वो अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह ताला भी उनकी याद में उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तस्करे कुरान में इस तरह फरमाया है। और उन सबसे बड़ी खूबी ये है कि शिर्क से बेजार थे, एकसु मुसलमान थे, किसी फिरका वारियत से इनका ताल्लुक नहीं था। तो सिस्टर्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमें लगता है कि हमारे अंदर शिर्क नहीं है,
लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम के उस्वा को जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहि सलाम के उस्वा को जब देखते हैं, तो शिर्क के जितने भी सिर्फ अकसाम जो है ना, शिर्क जात, माल और नफ्स, फिर हर तरह के जो अकसाम शिर्क हैं उससे भी वो बेजार थे। हर तरह के शिर्क, हमें हमें नहीं पता कि हम कौन कौन से मामलात में शिर्क करते हैं। इवन हमारे पास जो है हमारी सेविंग होती है, उसमें भी हमें क्या लगता है कि यही हमारे लिए एक जमा पूंजी या हमारे लिए एक सरमाया है जो हमें आगे जाकर हमारी रहनुमाई करेगा। नहीं, बल्कि अल्लाह ही करेगा। तो शिर्क का एक पूरा पिक्चर इसके अंदर मालूम होता है कि ईमान वालों की खास सिफत, वो अपनी नमाजों की फिक्र करते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और अल्लाह ताला को खूब याद करने वाले होते हैं और शिर्क से बेजार होते हैं। ये आपको आयत नंबर 92 में मिलता है। फिर अगली आयतों में बताया गया कि हर शख्स के मौत के वक्त वो अकेला ही जाता है, यानी मौत का फिर से तस्करा, खबर में भी वो अकेला ही जाता है। दुनिया में बाज लोगों का तरीका ये होता है कि कोई मुश्किल आ जाए तो फौरन एक के साथ एक जुट जाते हैं, किसी के सर पैर के पास जो है एक मजमा जमा हो जाता है वो। लेकिन दुनिया में ये है, अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुनिया में जब अल्लाह ताला उसको मौत की मुश्किलात से दो चार करता है, तो बताओ उसकी दर्द को, उसकी तकलीफ को कोई है कि उसे कम कर दे? नहीं। ठीक है, तो यहाँ मौत का जिक्र और इंसान को बता दिया गया कि अल्लाह ताला के अलावा जो है कोई है ही नहीं जिसे अल्लाह ताला ने के अल्लाह ताला जिसे चाहे उसी उसे बख्शता है, वरना कोई है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जिसे तकलीफ आ जाए और वो उसके लिए उसकी रहनुमाई करें। हरगिज भी नहीं। मोमिन को इबरत की निगाह वाला होना चाहिए कि हर चीज में इबरत हासिल करें, किसी की नजा की हालत हो, किसी की मौत की हालत हो, किसी की तकलीफ की हालत हो, किसी के जो भी अल्लाह ताला ने उसको जिसमें जिस आजमाइश में डाला है, उन हालातों को देखकर अल्लाह ताला को याद करें, वो इबरत करें। किसी खाने की चीज को भी देखें तो गौर फिक्र करें और ये कहाँ से आई, अल्लाह ताला ने कैसे इसका इंतजाम किया। बस मोमिन का काम ही इसमें बताया गया है कि गौर फिक्र पूरी कायनात पर भी, अपने आप पर भी, और अल्लाह ताला ने जो कुछ इनको नियमतों से नवाजा है उस पर भी अल्लाह ताला का क्या करो, इन नियमतों का तस्करा करो। तो इस बारे में सूरत मायदा के बाद हमें क्या मिला कि सूरत मायदा के हिस्सों के बाद अल्लाह ताला ने नसारा की तारीफ भी की, फिर अल्लाह ताला ने नसारा के गुलू के बारे में बताया, हलाल और हराम के बारे में हम पढ़ चुके, फिर खयामत और तस्किरा ईसा अलैहि सलाम का उसमें हो चुका था। ठीक, उसके बाद अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीजों में हलाल और हराम की सारी बातें बताई। अब इस हिस्से में जो सूरत अनआम में अल्लाह ताला ने जिन बातों का तस्किरा किया है वो क्या है, वो तौहीद है, फिर रिसालत है, वो और फिर आखिरत है। इब्तदाई हिस्से के पारे के इब्तदाई हिस्से में जो है इसमें तीन बातें, तौहीद, रिसालत, आखिरत, जो कि पूरे कुरान का भी मजमून है, लेकिन अल्लाह ताला इस सूरत में जो है अल्लाह ताला ने शुरू में ही इसका तस्करा कर दिया। इस सूरत में अल्लाह ताला की हमदो सना और अजमत और किबरियाई जो है खूब बयान हुई है। रिसालत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने 18 अंबिया इकराम के का नाम जो है इसमें जिक्र फरमाया। कौन कौन से? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, हजरत इसहाक अलैहि सलाम, हजरत याकूब अलैहि सलाम, हजरत नूह अलैहि सलाम, हजरत दाऊद अलैहि सलाम, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, हजरत अय्यूब अलैहि सलाम, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत हारून अलैहि सलाम, हजरत जकरिया, हजरत यहिया अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत इलियास, हजरत इस्माइल, हजरत यसा, हजरत यूनुस, हजरत लूत। इन 18 अंबिया इकराम के अल्लाह ताला ने तस्करे फरमा कर बता दिया कि तौहीद की दावत देने वाले, इतने रिसालत की दावत लोगों तक पहुंचाने वाले और कयामत का इंतजार बताने वाले, ये सारे अंबिया पे दर पे अल्लाह ताला ने भेजे। फिर कयामत का जो मंजर है वो कयामत का मंजर क्या है कि कयामत के रोज अल्लाह ताला तमाम इंसान को जमा करेगा। फिर रोजे कयामत किसी इंसान से अजाब का टलना या उस पर अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी? नहीं होगी।
ये आयत अगली यानी कि इस सूरत के दरमियानी हिस्से में मिलता है। फिर रोज़े क़यामत मुशरिकीन से मुतालबा किया जाएगा कि कहाँ कहाँ है तुम्हारे शुरका जिसको तुम पूछते हो। रोज़े क़यामत उन मुशरिकीन से पूछा जाएगा, उनसे मुतालबा किया जाएगा, जहन्नम के दारोगा उनसे पूछेंगे बताओ फरिश्ते वो फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने उनका रखा है वो मार मार कर उनसे पूछेंगे बताओ जिसको तुम दुनिया में अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ क्यों अपनी इबादत का मरकज बनाया था। उस रोज जहन्नमी तमन्ना करेंगे कि काश इन्हें दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि वो अल्लाह ताला के इन आयात को देखें और इन आयातों पर जो है इनके इन निशानियों पर वो ईमान लाएं और कभी ना झुठलाएं। यानी कि वो एक हसरत होगी क्योंकि उन्होंने जो एक जिंदगी उनको मिली थी उस जिंदगी में तो मजाक उड़ाया था, अल्लाह ताला की आयतों पर रद्द किया था और मानने से इनकार किया था, तो फिर वो वापस एक और जिंदगी चाहेंगे बिल्कुल इस सूरत यानी कि इस पारे का सातवें पारे का आखिरी हिस्सा है जिसमें बताया गया है कि ईमान वाले बनकर मरने की वो तमन्ना करेंगे लेकिन अल्लाह ताला वहां पे फरमाता है कि हर एक को एक ही जिंदगी चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो एक ही जिंदगी मिलती है और उसी में उसके लिए जो कुछ उसका किया करा है अल्लाह ताला उसका हिसाब बिल्कुल हिसाब के साथ साथ अल्लाह ताला उसे चाहे तो सजा दे चाहे तो उसे बख्श, ये अल्लाह के फैसले हैं। फिर दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा यानी कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी बस एक खेल तमाशा है और मशगला है आखिरत की जिंदगी हकीकी जिंदगी है बदरजा बेहतर है बेहतरीन है। ठीक है तो ये एक पारा मुकम्मल हुआ। फिर इसमें जो बकिया बातें सूरत नाम के आठवें पारे में जो शुरू हुआ है उसमें क्या है कि तसल्लिये रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली बता दी गई कि मुशरिकीन के चा और जो हमाकतें वो भी बता दी गई, अल्लाह ताला की दो नियमतें और 10 वसीयतें इसमें बता दी गई। तसल्ली मैं जरा बता देती हूँ तसल्ली क्या थी कि इस रसूल में लेकिन सॉरी इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि ये लोग जिद्दी हैं, मौजजात का भी बेजा मुतालबा करते हैं, अगर मुर्दे भी उनके सामने बातें करने लगेंगे फिर भी ये ईमान नहीं आएंगे। कुरान एक मौजजा है, कुरान का मौजजा देख कर भी इनके मौजजा इस ये लोग जो है ईमान नहीं लाते, कुरान एक मौजजा है इनके लिए ये काफी था। अब मुशरिकीन की जो है चार हिमाकतें मैं बता देती हूँ, ये क्या है कि ये लोग चौपाइयों में अल्लाह ताला का हिस्सा और शुरका का हिस्सा जो है अलग अलग कर देते थे, शुरका के हिस्से को अल्लाह ताला के हिस्से में अलग ना होने देते थे यानी कि उसमें मिलाते नहीं, लेकिन अगर अल्लाह ताला का हिस्सा शुरका के हिस्से में मिल जाए तो उसे बुरा नहीं समझते थे, ये उनकी हमाकतें थी। फकर या आर के खौफ से मोहताजी के खौफ से बेटियों को कत्ल कर देते थे। ठीक है फिर चौपाइयों के तीन किस्में कर रखी थी उन्होंने कि एक जो इनके पेशवों के लिए मखसूस है, दूसरा वो जो है वो जिन पर सवार होना ममनू है, तीसरा वो जिन्हें गैरुल्ला के नाम से जुबा करते थे। चौपाई के बच्चे को औरतों पर हराम समझते थे और अगर वो बच्चा मुर्दा हो तो फिर और वो होता तो फिर औरतों और मर्दों दोनों के लिए वो हलाल समझते थे, इनकी हिमाकतें थी। फिर अल्लाह ताला की जो नियमतें हैं दो नियमतों का जिक्र खेतियां और चौपाया इसका जिक्र है कि 10 वसीयतें भी इसके अंदर मौजूद, उसके बाद 10 वसीयतें भी इसके इस पारे का आठवें पारे का जो है ना शुरू का हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, ये आयत नंबर 151 में मिलेगा। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, फिर औलाद को कतल ना किया जाए, बुराई से इज्तनाब करें, नाहक कतल ना करें, यतीमों का माल ना खाएं, नाप तोल को पूरा किया जाए, बात करते वक्त इंसाफ को मद्देनजर रखा जाए, अल्लाह ताला के अहद को पूरा किया जाए, सिराते मुस्तकीम ही की इतबा की जाए,
तो ये आयत नंबर 153 तक इन सारी ही बातों का एक खुलासा मैंने आपके सामने रखा, जिसमें पैराग्राफ 3, 4, 5, 6, 7 सारा का सारा मुकम्मल हो गया। दावते तौहीद और तरदीद शिर्क, फिर तशरीक की तरदीद, फिर जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं एक मजरू और मगरूर क़ियादत का मकरो फरेब, यानी कि मुशरिकीन और जो काफिरीन थे और उजट कसम के लोग जो नहीं मानते और रसूलों का मजाक उड़ाते थे, उन लोगों के बारे में आखिरी बात बता दी गई। फिर बिदात कौन सी, जो हमाहतों के बारे में मैंने बताए थे कि वो जानवरों के हिस्से बना बनाकर अलग अलग तकसीम कर देते थे कि जो औरतों पर हराम है, कुछ मर्दों पर हराम है, कुछ बच्चों पर हराम है, इस तरह। तो ये बिदाते कुरैश और तौहीदे तशरी की वजाहत अल्लाह ताला ने बताई है। फिर देखें खुलासा दावत तौहीद, तौहीदो रद्द शिर्क, तौहीद के बारे में बताकर शिर्क को रद्द किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-अनआम मुकम्मल हुआ आपका, और फिर हम आठवें पारे में भी पहुंच चुके। आठवें पारे का एक दूसरा हिस्सा कल इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के बेकार के खुराफात, ये जो बिदआत हैं, इससे हमें बचाए रखें। फिर हर तरह के शिर्क से मुझे और आपकी हिफाजत फरमाए। तौहीद जैसा तौहीद पर हमारा ईमान होना चाहिए, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमल की तरह हमारा अमल बना दे, उनके ईमान की तरह हमारा ईमान बना दे, उनके तवक्कुल की तरह हमारा तवक्कुल बना दे। अल्लाह उनको जिस तरह दोस्त रखता है, उसी तरह मुझे और आपको भी दोस्त रखे। इस बारे में हमने यही सीखा। अब इंशाल्लाह अगले बारे में देखेंगे कि अल्लाह ताला अगले सूरत में क्या फरमाते हैं। ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।